गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। वेलकम टू यू इन माय चैनल्स माई स्टडी पॉइंट 26। डियर स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एडवर्ब। वी आर फैमिलियर टू पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर वेरी वेल, सो आई डिस्कस टू द बेस्ट टॉपिक इन एडवर्ब। Dear students, I request to you, please subscribe my channels and share your friends and social media group. So, let us start without wasting of times. Come to the topics. तो आज का जो topics हमने लिया है adverb. Adverb को हम लोग जो है अच्छे से discuss करेंगे. कोई formality नहीं, कोई फालतू के बहाने नहीं, सीधे अपने टॉपिक पर देखते हैं टॉपिक और समझते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम एडवर्ब के बारे में अच्छे से जानते हैं, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा है। उसी सीरीज में एक जो सीरीज चल रही है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की, उसी के पार्ट में आज हमने एडवर्ब लिया है। कल हमने एडजेक्टिव का टॉपिक क्लियर किया था, उससे पहले हमने प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर किया, उससे पहले नाउन का, एक पार्ट ऑफ स्पीच का हमने, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स का हम कंप्लीट करा चुके हैं, नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर में आपको वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट को बात कर सकते हैं, वहाँ से सारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और नहीं भी है तो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, एडवर्ब इन हिंदी। और हाँ डियर स्टूडेंट, एक आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि मेरे चैनल को जल्दी से थोड़ी हेल्प करिए मेरी, क्योंकि विदाउट स्टूडियो के वर्क करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब तक स्टूडियो नहीं, प्रॉपर प्लेस नहीं, तो वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और थोड़ा थोड़ा जल्दी हम भी अपना एक प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से जब लाइव क्लासेस होती हैं तो उनको अट्रैक्शन कुछ अलग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब इन हिंदी, डिफिनीशन, टाइप्स, मीनिंग्स इन हिंदी। अब हम क्या करेंगे, एडवर्ब की हिंदी जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे और मीनिंग इन हिंदी, और उन सब की मीनिंग को जान लेंगे। एडवर्ब होता क्या है पहले तो हम ये जान लें। एडवर्ब जो एडवर्ब होता है वो किसको क्वालिफाई करता है। द एडवर्ब इज़ अ क्वालिफाई वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउंस। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नाउन प्रोनाउन को नहीं क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है, बट उसकी कंडीशन अलग होती है। एडजेक्टिव को सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि जो एडवर्ब होता है वो हमारा वर्ब को क्वालिफाई करता है। उसके बाद वर्ब को क्वालिफाई करने के बाद ये हमारा जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है। यहाँ तक एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, फिर एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की तो मेन रूप से बताता ही बताता है। उसके बाद नाउन प्रोनाउन की कभी कभी जो क्वालिफाई कर जाता है। तो हालांकि वो डीप टॉपिक है, उस पर नहीं हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एडवर्ब होते हैं। तो नंबर एक पे होता है जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स, जो कि समय सूचक क्रिया विशेषण होता है। हिंदी में अगर जाने तो क्रिया विशेषण जो समय सूचक होता है ये माना जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है समयवाचक होता है, क्रिया विशेषण। कहने का मतलब है जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो ऐसे सेंटेंस में समय को इंटीग्रेट करेगा, समय की क्वालिटी को बताएगा, जो टाइम है उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसको विशेषता बताएगा। कहने का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये स्थानवाचक, ये स्थान जो कोई प्लेस होगा, प्लेस की ये विशेषता बताएगा। एडवर्ब ऑफ नंबर जो है वो हमारा संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक आप किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए
अब इनको हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया, संख्यावाचक जिसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, तो परिमाणवाचक होते हैं, विशेषण होते हैं। इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया विधिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया विधिवाचक जो है क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करें तो कारण जो है, रीजन का मतलब होता है जो कारण उसको हो वो उनको शो करता है। इसके बाद है हमारा, इसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 पे। 7 नंबर जो है वो हमारा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन इसमें क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब हो गया सकारात्मक क्रिया विशेषण, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, जहाँ पर जिसके आंसर यस या नो में निकले तो वो सकारात्मक है, नो में निकला तो नकारात्मक हो गया। लेकिन ठीक है, और उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न सूचक, जिसमें प्रश्न सूचक शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई डब्ल्यू एच फैमिली के टोटल वर्ड हो गए, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होगा हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, जिन जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं उन सारे वर्डों को ले लिया जाता है। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, और जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो संबंधवाचक। अब यहाँ पर संबंधवाचक का मतलब पूर्व निर्धारित से न्यू, यानी पहले से कहीं ना कहीं उसका संबंध रहा होगा, उस संबंध को शो करता है। वो तो किसमें शो करता है, रिलेटिव एडवर्ब्स में बताता है। चलिए अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये प्रोनाउंस एडवर्ब क्या होते हैं। प्रोनाउन को टॉपिक क्लियर किया तो प्रोनाउन ही मुझे ध्यान हो रहा, एक मिनट। चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पहले देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, जो टाइम को बताता है, जो टाइम को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, किसको किसको टाइम को बताता है। सेंटेंस में कोई भी हो, अब उसका टाइम को जो एक्सप्रेस करता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। अभिव्यक्ति जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है, जैसे टुडे। अब टुडे कोई भी सेंटेंस, आप कोई सी भी सेंटेंस में इसको यूज़ कर लीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू मार्केट, टुडे वी आर गोइंग टू बरेली, टुडे वी आर गोइंग टू शाहजहाँपुर, टुडे टुडे है टुमारो, द माई माई ग्रांड फादर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। तो इस टाइप से जो समय को इंडिकेट करते हैं, जाने की विशेषता क्या है, कब है, कब है, जाने की क्वालिटी को ही तो बता रहा है, ये वर्ब की ही तो क्वालिटी को शो कर रहा है। टुडे है, टुमारो है, स्टरडे है, लास्ट नाइट है, प्रीवियस नाइट है, फॉलोइंग डे है। तो इस टाइप से जितने भी ये एडवर्ब्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो इनको मुझे अच्छे से समझना था। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस अब इसमें बताता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्सप्रेस करता है जिसमें जिसमें एडवर्ब किसी प्लेस या यानी किसी स्थान की ओर बात करता है। जो इसमें सेंटेंस में है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो किसी प्लेस की ओर इंडिकेट करता है, किसी प्लेस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वो क्या, वो किन किन चीज़ों को हम कैसे सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको इस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे, हेयर है, देयर है, हाई दर, दाई दर, अप अप, हेयर और वेयर। प्लेस का मतलब होगा कहीं यहाँ, कहीं इधर, तो कहीं उधर। हम किसी भी टाइप से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ, वहाँ, माई ग्रांड फादर सिट हेयर या देयर, तो इस टाइप से हम सेंटेंसों को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस एडवर्ब को एक सेंटेंस में यूज करिए। सेंटेंस में जब आप यूज करेंगे तो आप कभी भी इसको मिस नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको लर्न कर जाएंगे। कभी भी आपको किसी के सामने आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब इसमें हम समझते हैं कि ये हेयर और देयर, अब इनको हम सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। ही वॉज सिटिंग हेयर,
हेयर का मतलब यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा, यहाँ, प्लेस, जगह का ना, जगह की ओर इंडिकेट कर रहा है, प्लेस की ओर बता रहा है, यहाँ। मिस्टर ठाकुर लिव देयर, वहाँ वहाँ वहाँ, प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है, वहाँ। तो हेयर और देयर जो है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। समझ में आ गया भाई? समझ में तो आना है, ऐसा क्या? चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर की बात कर ले तो एडवर्ब ऑफ नंबर जो हमारा होता है वे एडवर्ब जो किसी एक्शन, कार्य करने की संख्या या बारंबारता, या है यहाँ पर, या ठीक है, या बारंबारता को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे वंस हो गया, ट्विस्ट हो गया, देयर और नाइस। अब आपको समझना है कि यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ नंबर है, जो एडवर्ब ऑफ नंबर है वो क्या करता है, एक्शन को यानी क्रिया है यानी वर्ब है उसको होने की बारंबारता या संख्या। जैसे कोई भी कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो कितनी बार कार्य किया जाए, उसका नंबर कितनी बार कार्य किया जा रहा, वो संख्या उसको इंडिकेट करता, उस संख्या को बताया जाता है। जैसे कि वो मार्केट कभी कभी जाता है, कभी कभी का मतलब कितनी बार तो गया होगा, वो मार्केट पहली बार गया, वंस वंस टाइम गया, ठीक है। डेली जाता है, सेल्डम है, यदा कदा जाता है। तो ये सब जो सेंटेंस होते हैं, ये सब वर्ड्स होते हैं, किसकी ओर इंडिकेट करते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर की ओर इंडिकेट करते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना है कि देयर है, ट्विस है और थ्रीस है और अगेंस्ट है। अगेंस्ट मतलब कभी कभी, थ्रीस तीन टाइम, ट्विस वन, सेल्डम ठीक है, डेली नेवर। तो ये सब जो है हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर में काउंट होते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर में काउंट हो जाते हैं। तो इनको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ से इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा है, ही इज नॉट सीन हर वंस, एक भी बार वो नहीं दिखी, सीन हर वंस, एक भी बार वो नहीं दिखी। द पोस्टमैन कॉल अगेन, वो द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, दोबारा। अगेन का मतलब एक बार पहले से बुला चुका है, दूसरी बार बुलाया है, तो मतलब ट्विस्ट हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ क्या है, समझ गए, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद चलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वे अ एडवर्ब या अ एडवर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी, मात्रा का विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि जो एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को या एडवर्ब की क्वालिटी यानी मात्रा को एक्सप्रेस करता है। अब जो हमारा एडवर्ब है वो यहाँ पर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, यानी दोनों की विशेषता को बता रहा है। तो क्या चीज़ एडवर्ब इज क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि टू हो गया, वेरी हो गया, क्वाइट और एनफ हो गया, इन वाक्यों को देखें। अब एग्जाम्पल की थ्रू हम समझ लेते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि देखिए यहाँ पे है, ही वॉज टू केयरलेस। टू का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, केयरलेस तो है, केयरलेस हमारा यहाँ पे क्या है, किसी का गुण है, किसी व्यक्ति का गुण होगा ना, किसी व्यक्ति का गुण होगा केयरलेस। तो केयरलेस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव है। और टू बहुत, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता कि किसने बता दी, टू बहुत ज़्यादा है। सी इज वेरी टायर्ड, टायर्ड तो यहाँ पर टायर्ड क्या है बेटा, तो यहाँ पर टायर्ड की बात करें तो ये आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। वेरी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब।
तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है एडवर्ब और एडजेक्टिव को। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। इसके बाद चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मैनर का मतलब होता है कि एडवर्ब जो किसी एक्शन यानी के होने के मेथड, मैनर का मतलब तरीका होता है, तो यहाँ पर तरीका लिख लीजिए। तरीका क्या होता है? तरीका। आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो भाई आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ी अगर हेल्प नहीं करते हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो फिर आपको अच्छे से व्हाइट बोर्ड से आपको लाइव एट्रैक्टिव आपको क्लासेस होंगी, तो वो कुछ ज़्यादा मैनर करता है, वो थोड़ा ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है भाई, अब आपकी मर्जी है। चलिए, वे एडवर्ब्स जो किसी एक्शन के कार्य होने के मेथड या तरीके की विधि को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे हार्ड, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लिविंगली, फेथफुली, एटसेट्रा। तो ऐसे एक्शन जो मैनर, जो तरीके को बताते हैं, उसके तरीके को आइडेंटिफाई करते हैं, मोस्टली इनके लास्ट में क्या है, ly लगा होता है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं इनके लास्ट में मोस्टली ly लगा होता है, तो इसको हम पहचान सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। इनका एग्जाम्पल के तरफ से चेक करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं द हॉर्स रन फास्ट। जो हॉर्स है वो रन कर रहा है, कैसा रन, कैसा, फास्ट, ठीक है। यहाँ पर जो एडवर्ब है प्रेडिकेटिव है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर एडवर्ब ऑफ रीजन पे। अब ऐसा एडवर्ब जो रीजन यानी कारण को एक्सप्रेस करता है, और एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। ऐसे एडवर्ब जो किसी रीजन को एक्सप्रेस करते हैं, जो किसी कारण को एक्सप्रेस करते हैं, हेंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, और ठीक है। तो ये जो है, जो कभी रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब हो गया कि वे एडवर्ब जो रीजन कारण भाव को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं जो किसी कारण को अभिव्यक्त करते हैं, हेंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, ठीक है। अब एग्जांपल में की बात करें तो यहाँ पर हमें देखना है, एक सेकेंड, She was therefore fined. अब यहाँ पर रीजन बताता है, सी वॉज देयरफॉर फाइंड। अब उसका फाइंड होने के कारण उसने क्या किया, उसने स्कूल को छोड़ दिया। अब इस सेंटेंस में पूछा जाए तो एडवर्ब पूछा जाएगा कि एडवर्ब कौन सा है, ठीक, तो किसके कारण उसने छोड़ा, तो कारण यहाँ पर रीजन की बात कर रहा है, तो क्या, फाइंड के कारण उसने उसको छोड़ दिया, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं सेवन नंबर क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन एंड निगेशन क्या होता है, बे एडवर्ब जिसमें अफर्मेशन और निगेशन यानी सकारात्मक और नकारात्मक के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों इस सेंटेंस में पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग को शो करता है, वो एडजेक्टिव ऑफ अफर्मेशन या निगेशन कहलाता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहलाते हैं, जैसे नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय, नो मीन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एटसेट्रा। अब जी क्या, नॉट एट ऑल निगेटिव,
बिटी को दिखाता है या पॉजिटिविटी को दिखाता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों उसके थॉट्स हो सकते हैं। इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहलाते हैं। इन वाक्यों को देखें, सी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, सी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल निगेटिव हो गया। श्योरली ही इज राइट, वो निश्चित सर्टन निश्चित है, श्योरली है, सी ही इज राइट कि वो सही है। तो ये जो है हमारे सेंटेंस जो थे इसमें आपको समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, अगला एडवर्ब है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है आ एडवर्ब्स, यानी बे एडवर्ब्स, क्या है बे एडवर्ब, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं भैया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव वर्ड हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, ऐसे एडवर्ब जो होंगे वो डब्ल्यू एच फैमिली के हो सकते हैं या अदर वर्ड भी हो सकते हैं, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेंस, वेदर और हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। तो ऐसे वर्ड जिनको कहने का मतलब है जो बहुत लॉन्ग होते हैं और जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है लास्ट का, लास्ट बचा एक और है, उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है कि जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो के लिए होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे एडवर्ब होंगे, तो वो क्या कहेंगे कि जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो को जोड़ने के लिए किया जाता है वे रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जब इंट्रोगेटिव, आप ध्यान रखें इंट्रोगेटिव, यानी यहाँ पर कंजक्शन का यूज होगा, को रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे, एंटीसिडेंट यानी पूर्ववर्ती का रिलेशन संबंध बताने का कार्य करते हैं, किसका एंटीसिडेंट यानी पूर्ववर्ती का रिलेशन यानी संबंध बताने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं एंटीसिडेंट कहलाते हैं। एंटीसिडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि दो कार्य अगर और हो रहे हैं तो पहले वाला कार्य और बाद वाला कार्य से यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमें क्या है कि दिस इज वेयर अ किंग लिव, दिस इज वेयर जो वही, दिस इज वेयर, हमने एक दिन दिस इज वेयर पे जो एक कॉमन यूज सेंटेंसेस यानी फ्रेज के रूप में हमने जो आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वही है। देखिए दिस इज वेयर द किंग, जो वही है, वही राजा है, लीव जो यहाँ रहता है, डू यू नो व्हेन ही कम, क्या आप उसको जानते हैं, क्या जब कब उसको जानते हैं, ही विल कम। तो यहाँ पर अगर इसमें पूछे तो एडवर्ब आएगा, हमारा एडवर्ब आएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो जो भी चीज़ें हैं अगर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंडों में, मित्रों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स माय वीडियोज़।